सर आप उधर ही रहो, इधर हालत बहुत खराब है सर। हाँ बहुत ज्यादा खराब हो गया। हाँ सर मेरे बिल्डिंग में 4 केसेस आए एक ही दिन में, मतलब। हाँ नहीं अभी इधर वैसे तो एक बात बताऊँ, जयपुर और मुंबई दोनों जगह केसेस थोड़ा स्पीडी हैं, मतलब जस्ट लुक एट दिस लाइक दे 600 केसेस में 500 केसेस जयपुर में है, सो दैट इज द वर्स्ट पार्ट एक्चुअली। बट आई बिलीव लाइक यू नो दिस इज समथिंग कमिंग आउट टू बी अ पीक पार्ट। इट विल राइज टिल 40,000, आई कैन अंडरस्टैंड 50,000, इट्स ऑल ओके, बट आई एम प्रिटी श्योर लाइक यू नो इसमें डेथ रेट बहुत कम है, एंड सून लाइक यू नो मैक्सिमम अ वीक इट विल गेन अ पीक एंड विल बी रिलैक्स। बस अभी इन दिनों में लेकिन बच्चों संभल के रहो। हाँ इन दिनों में कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई मस्ती नहीं नीचे जाके, पता लगा ज्यादातर बच्चों के मैसेज आते हैं सर मेरे बहुत तेज बुखार है, राइट? ठीक है, वी बुखार उखार होना ज्यादा प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है, लेकिन क्या है ये 15 दिन के लिए जो क्वारंटाइन कर लेते हो ना वो बहुत गड़बड़ हो जाता है उससे। सो इन दिनों में थोड़ा केयरफुल रहो, और मुझे लगता है कि दोस्तों के बीच में थोड़ा कम रहोगे तो फायदा रहेगा। 1 वीक से ज्यादा का बात नहीं है बच्चों, जैसा मैंने मतलब ओवरऑल एनालिसिस देखा है, जो फॉरेन कंट्रीज में जो पेशेंट्स वगैरह आ रहे हैं उनका आउटपुट यही है, इसमें मोर्टेलिटी रेट रेट जो है बहुत कम है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड 6,000 पेशेंट्स में 600 डेथ्स थी, ओके okay, और अभी लाइक केसेस जो है 37-38,000 थे कल, एंड मोर्टेलिटी वाज 123, मतलब इट्स लेस। सो आई बिलीव लाइक यू नो दिस इज ऑन सेफर साइड, पेशेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट कोशिश करो कि खुद को सेफ रखो। चलो ये रिकॉर्डिंग सब बच्चे पढ़ेंगे सुनेंगे और इसको थोड़ा फॉलो भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी अंदर रहोगे तो पढ़ भी थोड़ा ज्यादा फ्रांस में भी एक नया वेरिएंट आया ना, क्या बोल बेटा? फ्रांस में भी एक नया वेरिएंट आया अभी। अरे यस सर, वो नहीं, वो सब क्या उड़ाने वाली बात है बेटा, कुछ ऐसा तो है नहीं। फ्लू और कोरोना का भी कुछ तो वेरिएंट आया है। नहीं, अब जो भी जितना भी वेरिएंट आएगा ना, दिस इज द लास्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसका बात कर रहे हैं, ये क्या ये म्यूटेड होकर के और फिनिश होता जा रहा है धीरे धीरे। अब ये समथिंग लाइक यू नो वायरल फीवर की तरह हो गया है, हाँ बट सर, स्टिल थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। मेरा रिक्वेस्ट है सारे लोग थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं। बच्चों अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में हाफ एन आवर भी नहीं, 20-25 मिनट्स थोड़ा बात कर लेंगे। अच्छा हम लोग का डोमेन वाला पार्ट तो हो गया पूरा, और उसका होमवर्क भी मिल गया है, ठीक है ना? हाँ सर, तो मतलब यस। तुम ये मान के चलो अंडरलाइंड पार्ट है कि तुम लोग का बुकलेट का डोमेन का तो हर क्वेश्चन बनने ही वाला है, जो नहीं बनेगा वो डाउट में चलो आ जाएगा, उसकी भी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है? बच्चों फंक्शन की पूरी बुकलेट्स का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आप मानो कि जितने भी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे डाउट्स में पूछते हैं वो सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, है ना? तो वो तो झंझट ही नहीं है। फिर भी डाउट्स रहेंगे तो अपन हाफ एन आवर वाले सेशन में या इवनिंग में सेशन रखेंगे, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बराबर? तो यस सर, हाँ अभी एक बड़ा कंटेंट बच रहा है, उससे उसके खत्म होते ही फंक्शन बहुत जल्दी से खत्म होता है, समझ लो एक चीज, एंड वो कंटेंट है रेंज ऑफ द फंक्शन। कोई बता सकता है क्या इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग रेंज ऑफ अ फंक्शन का पॉसिबल मीनिंग आउटपुट एक्सप्लेन। वैल्यूज हाँ जैसे हमेशा इंटरेक्टिव रह के पढ़ते हो ना वैसे पढ़ो, पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है और इंटरेक्शन रहता है तो तुम लोग को भी थोड़ा बेनिफिट रहता है। हाँ बोलो। आउटपुट वैल्यूज जो मतलब वाई एक्सिस में, मतलब ग्राफ उसका वाई एक्सिस पे मैक्सिमम। हाँ मतलब वाई एक्सिस पे क्या क्या मिल रहा है, दैट इज रेंज, यस या फिर ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे जैसे ये ए और बी हो गया और यहाँ पे सी डी ई ऐसा कुछ हो गया। तो बच्चों इसका कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन वो तो सी डी ई होगा, लेकिन रेंज ऑफ, अगर इस फंक्शन का नाम मैं सी होगा, एफ रख दूं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब ए के एलिमेंट है, ओके?
तो रेंज का मतलब ये हो गया। पर जो रेंज में जो कंटेंट वाइज हम पढ़ते हैं ना, उसमें पहला कंटेंट है रेंज ऑफ लेक्चर, मतलब यूजफुल है, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं लेक्चर में, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो। रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, बच्चों यहां फंक्शन लिखते हैं और यहां उसका रेंज लिखते हैं, ठीक है, यहां फंक्शन और इधर उसका रेंज। अच्छा साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज -1 to 1, दोनों पे क्लोज, दोनों पे क्लोज, पता है ना इसका ग्राफ से देखते हैं ना। यस सर। कोस प्लीज थोड़ा अलर्ट पे रहो, जो बच्चे आ रहे हैं उनको ले लो यार प्लीज। हाँ साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज हो गया -1 to 1 क्लोज। सेकंड बच्चों कर्ली ब्रैकेट एक्स का रेंज पता है ना सर, 0 to 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। ये रेंज है, वाई एक्सिस पर यही ग्राफ बनता है, वाई एक्सिस पे ग्राफ किधर किधर बन रहा है वो देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ना, यहाँ जो तुम करोगे ना भाई आज, वो एक्चुअली क्या है पता है, वो है तुम्हारा फर्स्ट डे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना इक्वल फंक्शंस वाला, वो यहाँ पे काम आएगा। देखो दो मिनट रुको, ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज ही हो गया। अच्छा बच्चो नंबर 3, ऐसे फंक्शंस बताओ जिनका रेंज आर हो। tan cot sir, tan cot tan cot sir, y is equal to x cot x, और क्या बताया sir, y equal to x, y equal to x। अरे हाँ y equal to x लाइन जो बनेगी ना वो वही बनेगी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा किसी रीजन से अभी, है ना, लिखूंगा अभी, रुको अभी दो मिनट। tan x cot x और बताओ, एक बहुत पॉपुलर फंक्शन है बच्चों जिसका रेंज आर होता है, ये वाला है ना। यस सर। ln x का रेंज आर होता है ना, ln x। यस हाँ, और कोई, और कोई बताओ, कोई पॉपुलर फंक्शन है क्या नॉलेज में? मेरी नॉलेज में नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। y equal to x पॉपुलर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक है, वैसे तो ये भी स्पेसिफिक है, लेकिन y equal to x को मैं यूटिलाइज करूंगा अभी। बोलो बच्चों, चलो एक चीज बताओ बच्चों, ध्यान देना हाँ, ये किया हुआ है फिर भी रिपीट करना जरूरी है इसलिए बात कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दो बच्चों, ये इस पे ध्यान दो। रफेल लेकिन ये नोट्स में बना रहेगा बच्चों, ये तुम क्या बोलते हो, a नॉट प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर प्लस a n x टू द पावर n, इसको पॉलिनोमियल बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर। यस सर। और बच्चों अगर a n नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इसका डिग्री जो होता है वो क्या होता है? n n होता है। एक बात का ध्यान रखो गाइस, ये जो सीरीज हम लोगों ने लिखी है ना, इट शुड एंड समवेयर, है ना। अगर x टू द पावर n डिफाइंड नहीं है, हाईएस्ट पावर डिफाइंड नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। जैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन इनफाइनाइट सीरीज होता है कि नहीं होता है बच्चों? यस सर। दैट इज नॉट पॉलिनोमियल, दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल में x टू द पावर n होना जरूरी है, x की हाईएस्ट पावर होना जरूरी है। तो बच्चों बताओ fx is equal to 0 पॉलिनोमियल है क्या बच्चों? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना स्पेशल, जो पढ़े हैं बहुत पहले लेकिन याद ही नहीं आते, ये पॉलिनोमियल है क्या? तो ये इक्वेशन होगा ना। अरे बेटा fx is equal to 0 का नहीं, चल ठीक है, वैसे तूने एकदम करेक्ट बोला, ये इक्वेशन होगा, मैं करेक्ट कर देता हूं। जैसे ये fx हो गया, ये fx,
इसको अगर एफ एक्स लिखता हूं तो ये एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। अब ठीक है, अब बता एफ एक्स इज इक्वल टू ये में एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर लिखू तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? होगा ना। एक बात बता, एक बात बता, ए वन ए टू ए थ्री ए एन सबको जीरो रख दे और फिर ए नोट को जीरो लिखते तो हो गया ना पॉलिनोमियल बच्चों। अच्छा बच्चों अगर देखो ये तुम गूगल कर लेना या पता करना, ये दो वर्ड्स थोड़ा देखना, एक तो मोनिक पॉलिनोमियल राइट और दूसरा बच्चों अभी लीनियर तो क्या ही लिखना, लीनियर तो पता ही है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर तो पढ़ा हुआ है बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c है ना। हाँ तो ये पता करना, ये पता करना क्या होता है, नहीं होगा तो फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। ये वर्ड कहीं लिखा मिल जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। मैंने तुम लोग को बोला है ना दो तीन बुक्स पढ़ने के लिए, जैसे डोरोफी और केडी जोशी, वो कभी पढ़ोगे तो ये पता है, ये किसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, एफ एक्स इज अ मोनिक पॉलिनोमियल एंड देन ब्ला 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 करके क्वेश्चन पूछा उसने राइट। ऐसे लिखवा दूंगा तो तुम लोग मेहनत नहीं करोगे, थोड़ा सा देखना ये होता क्या है। जैसे अभी AATS में एक क्वेश्चन था जिसमें मोनिक पॉलिनोमियल अगर नहीं होगा ना तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, तो वो कहानी है एक्चुअली। मतलब ये क्या है, ये जनरलाइज्ड कहानी है, ये इसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि IIT में लिख के देगा, जनरलाइज्ड कहानी है। ओके अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये हो गया ना बच्चों, ये टू टर्म्स वाला। सब लोग ध्यान दो बच्चों, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, एफ वन एक्स इसका मतलब पहला फंक्शन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। बच्चों इसमें ए टू जो ना एक्स रेस टू पावर टू की जगह टू या फिर फोर या फिर सिक्स ऐसा कुछ कर रहा हूं बच्चों इसको मैं, मतलब इसका खात्मा जो है ना मैं इवन पावर पे जाके कर रहा हूं। ओके तो एक काम करते हैं थोड़ा इसको करेक्ट बना देते हैं, ये अच्छा लग नहीं रहा एक्चुअली। हाँ बच्चों एक चीज बताओ, एफ इसमें अगर ए टू पॉजिटिव हो ए वन पॉजिटिव है कि नहीं ये पता नहीं है तो बच्चों इसमें एफ ऑफ एफ वन ऑफ अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी क्या होगा? ये तो कॉन्स्टेंट है, यहां इन्फिनिटी डाला इन्फिनिटी राइट। तुम्हें अच्छे से समझ में कब आएगा पता है, जब मैं एफ वन एक्स को ऐसे लिख दूंगा ना तो एकदम पकड़ में आ जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों ए टू ग्रेटर देन जीरो है ना इसमें? Yes, sir. अब बताओ एफ वन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी क्या होगा? ये इन्फिनिटी स्क्वायर और ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया ना बच्चों। लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो जीरो नहीं होता है ना, पता है ना? डिपेंड करता है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हो बच्चों? ग्राफ। हाँ मतलब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको फाइनल आंसर कैसे दोगे? डिफरेंशिएट। नहीं देखो ध्यान दो, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जैसा चमके ना बच्चों तो एक्स की हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, बताओ क्या बचा? वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स है ना, और प्लस वन। अब बच्चों एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अब डालो कितना आएगा, ये जीरो, ये भी जीरो, ये वन मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, कितना बना बच्चों? इन्फिनिटी बन गया ना, ऐसे कर लिया करो। अच्छा बच्चों ये तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है ना, तो इसका ग्राफ जो है ना मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। बच्चों एक बात बताओ,
एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा, एफ वन ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा बताओ सर, ए स्क्वायर लेस देन जीरो है ना? हाँ ये तो दिया हुआ है, ए टू लेस देन जीरो, इसी में पूछ रहे हैं इन्फिनिटी। अरे बाबा ये जीरो, ये जीरो, ये वन बचा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होल स्क्वायर लिख दिया, बराबर ना? यस सर। तो ये कितना आ गया बताओ? इन्फिनिटी। 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 समझ में आया ना ये कहानी क्या है? यस सर। यस। हाँ तो बच्चों इसको, इसका ग्राफ इस तरह का बनता है, हम लोगों ने ये पता भी किया हुआ है, इस तरह का ही बनता है ना? यस सर। तो पता है चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि ये पावर अगर इवन होगी ना बच्चों, अगर ये पावर इवन होगी, अगर ये पावर इवन होगी है ना, तो एफ ऑफ इंफिनिटी ले लो चाहे माइनस इंफिनिटी ले लो, दोनों के आंसर सेम आएंगे बच्चों, ये सेम आएंगे, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसा आएगा। बच्चों बताओ ये ऐसा वाला कब आएगा, ऐसा वाला कब आएगा, ये वाला कब आएगा? ना बाबा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना बाहर। बराबर है ना बच्चों, पता है ना ये चीज? अच्छा एक चीज पता है, ये जो इतनी लंबी रामायण करी है अपन लोगों ने, तुम्हें याद ही है अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो कुछ मिनिमम आ जाएगा इधर और मैक्सिमम इन्फिनिटी चला जाएगा, किया है ना हम लोगों ने? और ए टू लेस देन जीरो होने पर इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा और कुछ मैक्सिमम मिलेगा, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है हमारा, माइनस डी बाई फोर है, माइनस डी बाई फोर है ना। लेकिन बच्चों इसको जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि अगर ये पावर इवन होगा ना, अगर ये पावर इवन होगा तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे दोनों आंसर सेम आएंगे, या तो ये वाले आएंगे या फिर ये आएंगे। बच्चों ये वाले आएंगे, इसके लिए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? और ये वाले आएंगे, इसके लिए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए बच्चों? नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये जनरल कहानी हम लोग को पकड़ में आ चुकी है ना? अब हमें ये पता लग चुका कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आर नहीं होता है ना बच्चों? इवन डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज इन्फिनिटी तो जाएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी कभी नहीं जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तो जाएगा लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं जाएगा, मतलब दोनों में से एक ही केस होगा, बराबर है ना? यस। अच्छा अच्छा बच्चों ये तो स्टार मार्क वन हो गया मेरा, ठीक है, ये तो स्टार मार्क वन कर देता हूं मैं इसको। स्टार मार्क टू में बच्चों इसका जवाब दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ। एफ ऑफ अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी क्या है? अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कैसे निकालते हैं, क्या करोगे पता है ना? हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना, आंसर कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा ना बच्चों, इन्फिनिटी। अगर ये माइनस होता तो क्या आता सर? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, बराबर। अच्छा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है एक कहानी कि ये वाला ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ इधर से स्टार्ट होगा और इधर तक जाएगा, बीच में कहीं ब्रेक होएगा क्या बच्चों? नहीं होगा ना ऐसा कुछ, अबाउट ये वाला ग्राफ, अबाउट, एग्जैक्ट ये नहीं बनेगा बच्चों, ये तो हमें लोग को देखना पड़ेगा, कर लेंगे ये वाली चीज, बहुत ईजी है ना। लेकिन बच्चों इसका रेंज क्या होगा बताओ? रेंज जितने भी होते हैं ना उसका रेंज क्या होता है? आर होता है, बताओ। अब बच्चों बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पावर वन आ गया ना? हाँ, इसका रेंज क्या होगा? आर ही होगा इसका रेंज भी। समझ में आ रही है सब लोग को कहानी ये क्या है? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अब अपन एक फंक्शन ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ऑड
degree polynomial, odd degree polynomial. बच्चों एक चीज बताओ सर. हाँ बोलो ना सर. odd degree polynomial हमेशा x axis को कट करके जाएगा ऊपर. निकलना पड़ेगा ना. देख पहली बात तो polynomial continuous होते हैं. say yes or no. yes sir. उसका एक एंड माइनस इनफिनिटी होता है और दूसरा एंड प्लस इनफिनिटी होता है. से यस और नो यहाँ के अकॉर्डिंग. हाँ सर. इसका मतलब उसको एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा. मतलब रियल रूट होने चाहिए. हाँ बिल्कुल सही सोचा. अब ये रियल रूट का नंबर कितना होगा. क्यूब है तो रियल रूट का नंबर तीन भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं. वैसे तो है ना. बता दो कैसे होंगे. नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं. दो रियल रूट ऐसे हो सकते हैं ना बच्चों. ऐसा ग्राफ बन सकता है ना पॉलिनोमियल का. तो जब एक जगह टच करता है. देखो ये रहा. ऐसा भी हो सकता है ना. यस सर. कोइंसाइड कर नहीं. हाँ दो बार कट कर. ये दो बार कट नहीं किया. ये कर लिया. टू रूट्स हो गया यहाँ पे है ना. और ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी. थ्री रूट्स भी हो सकता है. बराबर ना. और बच्चों एक रूट तो गारंटी होगा. एक रूट तो गारंटी होगा. वन रूट. हाँ सर. बोलो बच्चों सही है कि नहीं है. यस सर. यस सर. है ना. तो टेन एक्स कॉट एक्स एल एन एक्स ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इन सब का रेंज जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों. आर होता है. एलिमेंट्री फंक्शन ये मत भूल जाना. हाँ हम लोग रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन पे चल रहे हैं. ये कहने को एलिमेंट्री है लेकिन ये सीखने वाला पार्ट जो ना इसमें बहुत है. अगर पहले किया हुआ है तो रिवीजन वाला पार्ट बहुत अच्छा है इसका. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ ये वाला ग्राफ अप्रोक्सीमेट किसका ग्राफ है. ध्यान देके और बताना पहले किया है तुम लोगों ने. ये बच्चों ये वाला ग्राफ किसका है. ये सब 12 नहीं सर. ये क्यूबिक का ही है. टैन एक्स का भी नहीं यार. वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का इंफिनिटी पे जा रहा है. एक्स क्यूब का इन्फिनिटी पे जा रहा है. ये इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी पे. एक्स क्यूब का है ना. यस सर. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ एक्स इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ कैसा देखते हो तुम लोग. एक्स इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ कैसा देखते हो. ऐसा बनेगा ना. ऐसा. हाँ सर. यस सर. कम रेट से इंक्रीज कर. हाँ कम रेट से इंक्रीज करेगा. ये वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर वन बाई थ्री का ग्राफ है बच्चों. बोलो बच्चों सही है कि नहीं है. Yes, sir. अच्छा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लोगे ना दोनों का. इसका और इसका एक्स क्यूब और एक्स रेस टू पावर वन बाई थ्री का. वन कोमा वन दिखी रहा है यार. जीरो कोमा जीरो दिखी रहा है. माइनस वन कोमा माइनस वन दिखी रहा है ना. तीन इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे. बराबर है बच्चों. समझ में आ रहा है. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ एक्स क्यूब के बाद एक्स सॉरी एक्स क्यूब के बाद एक्स फाइव एक्स सेवन ये सब सेम ही तो आएंगे बच्चों. सेम ही ग्राफ बनेंगे ना इनके. बच्चों एक्स इक्वल टू वाई क्यूब वाई फाइव वाई सेवन ये सब सेम ही तो ग्राफ बनेंगे. बोलो बच्चों. यस सर. यस सर. इसका मतलब बच्चों सब लोग ध्यान देना. सब लोग ध्यान देना. ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूं एक्स रेस टू पावर वन अपॉन 2n plus 1, n belonging to the set of natural number. बच्चों इसका रेंज भी क्या होगा बताओ. All real. All real. All real ही होगा ना. सब लोगों को समझ में आ रहा है all real वाला चक्कर क्या है. बच्चों. Yes sir. Yes sir. Yes sir. समझ में आ रहा है ना. Yes, अब सब लोग दिमाग लगाएंगे ध्यान देंगे क्योंकि ये समझ में आया और अगले पेज पे जो चीजें लिखी जाएंगी वो आराम से समझ में आएंगी. सब लोग ध्यान दो. सब बच्चे ध्यान दो. बच्चों ये ग्राफ किसका ग्राफ है. LNX का है ना. यस सर. यस. अब मुझे इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाना है बच्चों. वन बाई एल एन एक्स का ग्राफ बनाना है. बच्चों एक चीज बताओ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है. वन 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 पे कट कर रहा है. तो वन पे वर्टिकल लाइन बनेगी. बताया ना पहले. हाँ सर. अब बच्चों मुझे बताओ जब ये माइनस इनफिनिटी है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा. जीरो सर. जीरो माइनस.
जीरो हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये इंक्रीज कर रहा है, सही है सर? नो यस यस। तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा, सही है सर? नो यस। वन से जस्ट पहले ये कहां जाएगा बच्चों? माइनस इनफिनिटी जाएगा ना। वन से जस्ट पहले यहाँ देख लो ना, वन से जस्ट पहले कितना है? जीरो से थोड़ा कम है ना। यस। वन से जस्ट पहले ln x का आंसर जीरो से थोड़ा कम है। जीरो से थोड़े कम का रेसिप्रोकल माइनस इनफिनिटी होता है बच्चों, सही है सर? यस सर। अच्छा बच्चों इसके बाद ये ग्राफ ऐसा बनेगा ना, सही है सर? नो। अरे बाबा वन के जस्ट बाद में क्या है? जीरो प्लस है ना। हाँ सर। जीरो प्लस का रेसिप्रोकल कितना हुआ? पॉजिटिव इनफिनिटी बराबर। अच्छा अब आ जाओ नीचे, इधर इनफिनिटी जब जाएगा तो जीरो आ जाएगा, इन प्लस इनफिनिटी जा रहा है ना तो जीरो प्लस आएगा ना बच्चों, सही है सर? नो। यस सर। हाँ yes. तो बच्चों इसका रेंज क्या हुआ, इसका रेंज क्या हुआ बताओ? R माइनस जीरो, वो तो बोलो बच्चों। हाँ जीरो पे नहीं है, इसको R नॉट भी लिखते हैं ना। yes, एक्सक्लूडिंग जीरो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ऐसे किसी भी फंक्शन का जिसका रेंज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी है, डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। yes, जहां yes, भी वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बच्चों, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसमें जीरो आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा ना, वो जीरो गायब हो जाएगा ना। इनफिनिटी हो जाएगा, जीरो गायब हो जाएगा ना, वो तो इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी दोनों को भागेगा। माइनस इनफिनिटी इधर भागेगा, प्लस इनफिनिटी इधर भागेगा, सही है सर? नो। यस सर। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज करूं, बाद में कॉपी कर रहा, अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज करूं नंबर फोर, ऐसे फंक्शंस जिनका रेंज आर नॉट है, आर नॉट है राइट बच्चों, मैं लिख सकता हूं क्या, वन अपॉन ऑल functions in point three, बोलो बच्चो। yes, sir. ये जितने भी functions है इनका range कितना है बच्चों? R है ना। yes. इसका reciprocal लोगे तो कौन गायब हो जाएगा बच्चों? जीरो गायब हो जाएगा ना, सही है सर? नो। yes, बच्चों अब तुम्हें दिमाग लगाना है, नंबर फाइव पे दिमाग तुम्हारा जाएगा बच्चों। ये ग्राफ है वापस वही ln x का ग्राफ, ये ग्राफ किसका है? ये सॉरी मॉडल ऑन x, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है ना, इतना ही होता है। हाँ मॉड, आउटपुट वैल्यू इज पॉजिटिव, ये होगा ना बच्चों? यस यस सर। अच्छा अच्छा बच्चों ये वाला ग्राफ किसका है बताओ? ये वाला ग्राफ अभी भी बनाया था वैसे मैंने, ये किसका ग्राफ बच्चों? वन बाय लॉन एक्स का ग्राफ है ना। और बच्चों ये ग्राफ किसका आ जाएगा फिर? Mod 1 by ln x. Mod 1 by ln x. ln x. बोलो बच्चों, सही है ना? Yes, sir. बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ऐसे फंक्शंस जिनका रेंज r पॉजिटिव यूनियन जीरो है, वो कौन से वाले फंक्शंस है, बता सकता है कोई? सर ln square. ये सारे फंक्शंस का बच्चों मॉड ले लो तो क्या आ जाएगा? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बस, है ना? यस सर। और बच्चों जीरो भी शामिल होगा। यस सर, जीरो भी होगा ना, जीरो शामिल, देखो ना। यस सर। देखो ना जीरो शामिल होगा ना, इसका मॉड ले लो तो जीरो तो शामिल रहेगा ना रेंज में।
बच्चों कौन को क्या लिखूं इसकी जगह बताओ, वन अपॉन ऑल एफ इन पॉइंट, ओ गलत लिखा, सॉरी सर, एक प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस पार्ट में एक डाउट था सर, एक मिनट रुकना प्लीज, इस किसका मॉड लेना था बच्चों, इसमें मॉड ऑफ ऑल फंक्शन वन अपॉन का जरूरत, ऑल अपॉन और ऑल फंक्शंस इन पॉइंट थ्री, बोलो बच्चों होगा कि नहीं होगा ये आंसर, यस सर यस सर। अच्छा आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बोल। यस सर, सर आपने लिखा है पॉइंट फोर में वन अपॉन ऑल फंक्शंस इन पॉइंट थ्री, उसका रेंज है आर नॉट, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो सर, लेकिन टैन और कॉट में कॉट तो टैन का वन अपॉन टैन होता है ना, लेकिन वो तो जीरो लेता है। तूने लेक्चर अटेंड किए नहीं पहले? किया नहीं, मैंने बताया था टेन एक्स वन अपॉन कॉट एक्स नहीं होता है। देख टेन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, सिर्फ ये एक ही पार्ट बना रहा हूं, एक ही पार्ट, सिर्फ एक ही पार्ट बच्चों, ये ग्राफ किसका है बताओ, टेन एक्स का है ना, वाई इक्वल टू टेन एक्स राइट। अच्छा अब इधर बनाते हैं वन बाय टेन एक्स का ग्राफ, वन बाय टेन एक्स का ग्राफ, देख ये पार्ट कितना है, माइनस इनफिनिटी, तो जीरो हो जाएगा, यस सर, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करेगा, सही है सर, नो यस सर, तो और ये जीरो से इधर चला जाएगा, इधर सही है सर, नो यस सर, ऐसे जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऊपर आएगा, बराबर ना, यस टेन एक्स जीरो टू पाई बाई टू, अब तेरे को क्या करना है, तेरे को पाई बाई टू पे आना है, पाई बाई माइनस पाई, ये है जीरो, नहीं ये जीरो नहीं है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये जीरो है बच्चों, ये जीरो है, अपन लोग को ये भूलना नहीं चाहिए कि वर्किंग जो है ना इट शुड बी प्रॉपर, ये ओरिजिन है, तो बच्चों ये क्या है बता सकते हो, ये माइनस पाई बाई टू है, ये जीरो है, बराबर है ना, यस हाँ, और अब जीरो से पाई बाई टू में ग्राफ बनाना है, जीरो से पाई बाई टू में ग्राफ बनाना है, ये पाई बाई टू, तो बता पाई बाई टू से जस्ट पहले इंफिनिटी जा रहा है, तो अब ये कहां चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा ना, यस सर्कल आएगा ना, बोल से यस और नो, यस अच्छा ये ग्राफ बना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, आगे भी बना लेंगे, आगे ग्राफ बनेगा तो आगे भी हाँ सर समझ में, अब मुझे बता कॉर्टेक्स का ग्राफ कैसा है, कॉर्टेक्स का ग्राफ कैसा है, कॉर्टेक्स का ग्राफ जीरो से पाई बाई टू में ऐसा है और फिर ऐसा है, जीरो से पाई बाई टू में, लेकिन ये ग्राफ ऐसा है, बोल है कि नहीं है, हाँ सर समझ में आ गया, देख लेकिन ये वन बाई टेन एक्स का ग्राफ कुछ उल्टा है यार, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही जो मुझे परेशान कर रही है बच्चों, अपन लोग कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं एक्चुअली, अच्छा अरे यार कुछ भी कर रहे हैं, जीरो से पाई बाई टू तो ये गिनना है ना बच्चों, हाँ सर, जीरो से पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू तक में टेन एक्स का ग्राफ ये बन रहा है, ध्यान दे ये बराबर है, जीरो से पाई बाई टू में, और जीरो से पाई बाई टू में कॉर्टेक्स का ग्राफ ये बन रहा है, यहाँ पाई बाई टू पे डॉट आ रहा है और यहाँ पाई बाई टू पे सर्कल आ रहा है, सही है सुनो, यस सर, बता दोनों ग्राफ सेम है क्या, नहीं सर नहीं है, देख इसमें वन बाई टेन एक्स के रेंज में बता जीरो आ रहा है क्या, सही है सुनो, सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, लेकिन कॉर्टेक्स में जीरो आ रहा है ना, यस सर, इसलिए वन बाई टेन एक्स और कॉर्टेक्स इक्वल नहीं होते हैं बच्चा, ठीक है अंडरस्टूड, यस सर, चलो और किसी को कोई डाउट है इसमें, इस पर्टिकुलर पार्ट में, सर प्रीवियस पेज में एक डाउट है, एक मिनट चलते हैं, बोल बेटा,
सर जो आर वैल्यूज हैं जिनका रेंज आर वैल्यू सर लॉग फंक्शंस का भी तो रेंज आर वैल्यूज ही होता है ना हाँ तो वो लिख दिया ना बेटा ये रहा ना ln x अच्छा अब इसका बेस चेंज करके तो हाफ कर दे चाहे 10 कर दे हाँ सर हाँ दोनों कंडीशन में रेंज आर ही रहेगा है ना सर अब बॉक्स एक्स का क्या होगा सर ग्राफ इंटीजर बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाया नहीं अभी बनाएंगे बॉक्स एक्स का ग्राफ स्टेप्स बनेंगे बेटा उसमें चलो आगे बच्चो ये आर पॉजिटिव यूनियन जीरो जीरो अच्छा बच्चो सिक्स पॉइंट ऐसे फंक्शंस बताओ अच्छा सिक्स पॉइंट लिखने से पहले एक बार रुको बच्चों इसमें ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ है y is equal to x square का ग्राफ है सर पैराबोला y equal to x square का ग्राफ है बच्चों y square equal to x का ग्राफ कैसा है सर ऐसे x एक्सिस के ऊपर नीचे होता है ऐसा है ना यस सर और बच्चों अगर मैं y equal to root x का ग्राफ बनाऊं तो सिर्फ यही बनेगा ये होगा सिर्फ ऊपर वाला ही ग्राफ होगा ना और y इक्वल टू x रेज टू पावर 1/2n ये बच्चा यही ग्राफ बनेगा ना यही वाला यस सर रूट x x रेज टू पावर 1/4 x रेज टू पावर 1/6 अप टू सो ऑन सब यही ग्राफ बनेगा ना बच्चों यस सर है ना तो मुझे एक चीज बताओ कि इसका रेंज क्या है जीरो से इनफिनिटी है कि नहीं है बच्चों यहाँ पे एक फंक्शन और आएगा ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2n एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बच्चों बताओ इसका रेंज भी यही रहेगा ना देखो ये 0.3 में नहीं है कहीं भी 0.3 में कहीं भी नहीं है ये बोलो बच्चों एक अलग से फंक्शन मिल गया ना हम लोग को नया फंक्शन मिल गया इसमें बराबर है Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो बच्चों एक बात बताओ मुझे कि अब जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को तुरंत क्लिक करना चाहिए ऐसे फंक्शंस बताओ जो बच्चों जिनका रेंज आर पॉजिटिव हो कौन से फंक्शंस का मॉड लोगे बताओ इस फंक्शन के मॉड लोगे तो यही आएगा ना यस बताओ sir. बताओ इस फंक्शन का मॉड लिया इस फंक्शन में जीरो नहीं आ रहा है रेंज में अगर मॉड लूं तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा ये चला गया राइट लेकिन जीरो आ रहा है क्या रेंज में बताओ बच्चों sir. तो क्या लिखे बच्चों मॉड ऑफ All f in point which point बच्चों four मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि ये वाला चैप्टर जो है ना रट कोई सकता ही नहीं है और जो रिकॉर्डिंग देखने वाले बच्चे हैं ना कुछ उनकी तो गारंटीड दो तीन महीने तो थोड़े कम है सॉरी एओडी जब निपटेगा तो हाँ 3-3.5 महीने मान लो करीब एओडी निपटते गायब हो जाएंगे वो बच्चे मतलब स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे जेई प्रिपरेशन स्ट्रीम से बाहर हो जाएंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर देखने वाले लेक्चर रिकॉर्डेड देखने वाले वो कभी कभी तो चलता है लेकिन रोज आप इंटरेक्शन से बाहर चले जाओ ना वो गलत जाता है बच्चों पता है क्या है ये टॉपिक कितने ज्यादा एलिमेंट्री है तुम इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन यही पूरी कैलकुलस को खींचते हैं बाद में जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐसे शानदार वाले क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों आप वंडर करोगे 10-10 मार्क्स के रुड़की के क्वेश्चंस आपके आज के लेक्चर से क्रैक होते हैं इसके जो फंडामेंटल्स हैं इसकी जो डिस्कशंस हैं इसको जो हम नीट एंड क्लीन डिस्कशन में जा रहे हैं ये देखो 1/10x का ग्राफ ऐसा बनेगा है ना स्पेशल अच्छा मुझे एक चीज बताओ पूरी ट्रिगो में आज तक 1/10x का ग्राफ बनाया तुम लोगों ने ऑनेस्टली कन्फेस करो नहीं सर एक्चुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती पता है अगर जरूरत पड़ती तो टीचर गारंटीड बनवा देता था लेकिन कभी हमें ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ी 10x के ग्राफ की जरूरत बार बार पड़ती है
लेकिन 1 by 10x के ग्राफ की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन बच्चों कैलकुलस में 1 by 10x का ग्राफ जो ना माइलस्टोन है। अगर किसी को किसी रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाना आ गया, इट्स अ माइलस्टोन फॉर कैलकुलस। आप लोग को आइडिया, ऐसे ऐसे नहीं बनना चाहिए, ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बनना चाहिए, ऐसे कि आराम आराम से सोच सोच के ग्राफ बनाना है, नो नॉट दैट। बिल्कुल एकदम फास्ट ग्राफ बन जाना चाहिए। डेसिमल्स पे टाइप करते हो तो कैसे फटक से ग्राफ आ जाता है ना, वैसे ग्राफ तुमसे भी बनना चाहिए। और बाय द टाइम एओडी खत्म होता है तब तक हम लोग इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, बाय मिस्टेक। ओ 1 बाय 10 है, एओडी के बाद कैलकुलस खत्म हो जाएगा। हां, एओडी के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा बेटा, मतलब 60% कैलकुलस खत्म हो जाएगा। ओके, 7 महीने का सिलेबस है बेटा ये, 7 से 8 महीने भी लगते हैं कभी कभी, अच्छा बैच हो तो 8 महीने लगते हैं। थोड़ा काम चलाओ बैच रहेगा तो फिर तो आपको पढ़ाना ही होता है ना, डिस्कशन रहता ही नहीं ना। डिस्कशन जब नहीं रहता है तो फटाफट सिलेबस होता है ना, तो कभी अच्छा बैच रहेगा तो 8 महीने लग जाते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये वाला पॉइंट समझ में आया ना, ये वाला आर पॉजिटिव वाला? यस यस सर, समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, इसमें एक फंक्शन और ऐड होता है, ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स, बनाया ना हम लोगों ने, ऐसे ग्राफ बनते हैं ना इसके, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल, ये e टू दी पावर एक्स और ये वाला e टू दी पावर माइनस एक्स। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, माइनस e टू दी पावर एक्स कैसे बनेगा? ये बन गया ना माइनस e टू दी पावर एक्स का ग्राफ, बराबर ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और देखो ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ बताओ। चलो ये माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सर रिफ्लेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। यस सर, यस सर। कटने की क्या जरूरत है, जो प्लस है उसको माइनस कर दो, उतना ही तो है बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा बच्चों, इसका अगर मैं मॉड ले लूं तो यही वाला ग्राफ आ जाएगा ना वापस? यस yes, सर। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एलिमेंट्री फंक्शन के रेंज में चल रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू 1.5 तो 1/x बिलोंग्स टू 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 होगा, उल्टा ही तो करना है यार, ठीक है ना, सही है ना बच्चों? बच्चों ध्यान देना, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे अभी। x belongs to -3.5 है तो 1/x belongs to, जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों, ध्यान दो। x माइनस थ्री से 5 जाएगा, माइनस थ्री है, ये माइनस थ्री है और ये 5 है ना? Yes, x माइनस थ्री से 5 जाएगा तो बच्चों बताओ y किधर जा रहा है? माइनस इनफिनिटी तक भी जा रहा है। माइनस इनफिनिटी से कहां तक जा रहा है? इनफिनिटी। अरे गधेड़ा, ये देखना माइनस थ्री पे हाइट क्या आएगी, ये भी तो पता कर। -3 होगा ना बच्चे? इसका रेसिप्रोकल लेना है ना तुझे, x की वैल्यू -3 डाल दे क्या, -1/3 तो -1/3 आएगा ना? हाँ, यूनियन 1/5 टू इनफिनिटी, यूनियन 1/5 टू इनफिनिटी। देखो बच्चों मैंने पहले ही बोला था जल्दबाजी मत करो, सीखो चीजों को। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि -3 और 5 के बीच में एक जीरो भी आता है जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइन नहीं हो ना बच्चों तो ग्राफ में देख लेना चाहिए कि ग्राफ में हो, हाँ, चल क्या रहा है, बराबर है ना? सही है सर, रो बच्चों। यस सर।
देखो ये काम आएगा अब अच्छे क्वेश्चन पता आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट काम आ जाता है अगर हम लोग को पता नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं हम लोग आईआईटी आई एम सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस दो तीन बार पूछे गए मैं बताऊंगा अभी आ रहा है क्वेश्चन अच्छा तीसरा क्वेश्चन सब लोग ध्यान दो बच्चों एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू कॉमा थ्री देन एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जब भी ऐसा पूछे ना तो बच्चों ग्राफ किसका ड्रॉ कर लो एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस टू और ये रहा थ्री अब बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर के ग्राफ यहां से यहां तक बनेगा से या सर नो यस सर बच्चों बताओ इसका रेंज क्या हुआ माइनस फोर टू नाइन लिखो ये नाइन ये फोर फोर टू नाइन रेंज होगी इसकी या जीरो टू नाइन देखो इस तरह से डायरेक्ट स्क्वायर करना ठीक नहीं है इसका मतलब डायरेक्ट स्क्वायर करना ठीक नहीं है ग्राफ में देख लेना चाहिए बराबर है क्या बच्चों से या सुनो यस ठीक है अब बच्चों अब क्वेश्चन जो आ रहा है ना उस पर ध्यान देना सब लोग फोर्थ इधर लिख रहा हूं रेंज ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी है जीरो टू इनफिनिटी वन प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी होगी बच्चों वन टू इनफिनिटी और बच्चों वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज कितनी होगी जीरो टू वन देखो आ गया ना सब चीजें यहीं से तो आ रही है यस यस बच्चों सही है ना सही है yes, sir. Yes, sir. अच्छा बच्चों चलो इसको चेंज करते हैं ये वाला आंसर बताओ चलो रेंज ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बच्चों एक्स स्क्वायर की रेंज तो लिख चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन की रेंज बोलो क्या आएगी माइनस वन टू इंफिनिटी ठीक है तो बच्चों वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन की रेंज क्या आएगी देख सुन एक्स स्क्वायर की रेंज जीरो टू इन्फिनिटी से यस सर नो यस सर यस इसमें तूने वन सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया आंसर बराबर यस यस अब एक्स ये पूरा के मान ले एक बार के मान ले इसको k मान ले k belongs to minus 1 to infinity है अब k belongs to minus 1 से infinity जाएगा तो 1 by k किधर जाएगा बता minus infinity से minus 1 तक जाएगा yes sir अरे बाबा इसका ग्राफ ऐसे बना लेते हैं ना दोबारा आफत थोड़ी अपन आराम से बनाएंगे ये वाला ग्राफ ये बन गया और ये बन गया ये minus 1 है राइट अब तुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है इसका रेसिप्रोकल लेना है यहाँ पे तो ये आंसर आएगा ना इसका ये हाँ सर माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और ये जीरो से इनफिनिटी अच्छा हाँ सर समझ गई समझे ना कभी भी दिक्कत आए ना तो रुको रुक के और लड़ो उस जगह पे बस तुम्हारा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वही स्ट्रॉन्ग होता है बाकी ये सब बुकलेट के 25 की जगह 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लें और ये सब फालतू चीजें मैं उसको बिलीव ही नहीं करता एक्चुअली राइट कंसेप्ट क्लियर तो आईआईटी क्लियर बच्चों इसका रेंज बताओ इसका रेंज तुम लोग को बताना है सिक्स और सेवंथ का रेंज तुम लोग को बताना है यस सर पहला क्वेश्चन है वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस हाफ और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों दूसरा क्वेश्चन वैसे मत करना घिसम घिसाई करके करते थे ना बच्चों क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसे मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बच्चों ऐसे करते थे ना इक्वल टू वाई लिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना वो मत करना प्लीज वो करोगे तो आई जाएगा मतलब वो मैं मेरे को क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाना मुझे इसका प्रैक्टिस कराना है ना तो बच्चों इन दोनों का रेंज निकालो और हैंड रेज करो जो आंसर जिन जिन लोग को आता है किसी को कोई पेज चाहिए पीछे वाला तो बोल देना एक बार पहले लेकिन ये कर लो दोनों सर पिछले वाले पेज में फिफ्थ पॉइंट में अपने y is equal to x square नहीं ऐड किया
फिफ्थ वाले पॉइंट में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑल फंक्शंस इन पॉइंट थ्री, पॉइंट थ्री टेन एक्स कॉट एक्स। अरे हाँ रे यार, इसमें भी वैसे अपन लोगों ने r रेंज में तो आता ही नहीं। हाँ सही कह रहा है तू, सही कह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे तो ठीक है यार, अभी क्या ही बोले, ये ले ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स फोर या एक्स टू दी पावर टू एन डायरेक्ट लिख दूं क्या? यस ठीक है, याद नहीं रहा बट ठीक है, आंसर तो है ही। One student have done it. Sir, second part थोड़ा बाकी है। हाँ ठीक है, ठीक करो। अरे उसको split कर लो, पता है? हाँ sir, hint मत दो please. सर आप प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ सर हो गया, थैंक यू। कि दो कंटेंट यहां करने में टाइम लगता है और उधर टेंजेंट नॉर्मल जो ना एओडी में वहां टाइम लगता है, बाकी सब ऐसे बहुत ज्यादा इजी इजी सा ही है। मतलब कैलकुलस पूरा एलजेब्रा का रिवीजन ही है बच्चों, बहुत सारा एलजेब्रा यूटिलाइज होता है इसमें। सर एओडी क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहले क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या था? जीरो से वन, जीरो पे क्लोज, वन पे ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस हाफ होगा और माइनस हाफ टू वन बाय टू। सर और उसका उल्टा है ना, और अब इसका उल्टा, इसका उल्टा कितना आ जाएगा? माइनस इनफिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू यूनियन टू टू इनफिनिटी, लेकिन चलो ये सब मत सीखो, पता लग जाएगा मेंस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। सर उधर टू पे ओपन एग्जाम में यही तो गड़बड़ होती है, एग्जाम में ये ओपन क्लोज है ना बच्चों, ये खा जाते हैं तुम्हारे मार्क्स। तो और वो ऑप्शन भी देंगे जिसमें वो क्लोज देते हैं, देते हैं। मैंने ही गलती कर दी ना, देखो अरे मैंने ही गलती कर दी, कितने लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बार बार इस क्वेश्चन में कुछ माइनस वन बाई टू की जगह माइनस वन बाई थ्री डाल देता हूँ, हर बार कराता ही हूँ ना, बट जल्दबाजी में लग गया ना, ये यहाँ पे खाते हैं तुम्हारे मार्क्स। अच्छा एक चीज समझ लो, आईआईटी में एग्जाम देने से जस्ट पहले जो डिसेंट बच्चे होते हैं ना, मीडियोकर बच्चे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जो मीडियोकर बच्चे होते हैं उनका भी सब्जेक्ट पूरा होता है, सिर्फ गलतियां जो होती है ना, जैसे ये गलती करी है ना, उसकी वजह से आईआईटी नहीं जा पाते, मतलब अच्छा रैंक में, मतलब 5000 के अंदर अंदर नहीं आ पाते, 10-12 हजार में आते हैं, इसलिए ये केयरलेस मिस्टेक से भी बचो। सेवंथ वाला हो गया ना? यस सर, 2 to 4 आ रहा है। 2 to 4, यू आर राइट, 2 to 4 आता है। ओपन टू टू क्लोज टू ओपन फोर, ऐसा कुछ है क्या? ओपन टू टू क्लोज फोर, ओपन सर। अच्छा बच्चों सेवंथ में ये किया ना तुम लोगों ने, टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस
लास्ट वन प्लस टू आएगा ना यार. हाँ सर हाँ सर. अब ये कितना हो गया बच्चों, टू प्लस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. और उसका तो रेंज निकाल दिया था वन बच्चे, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज जीरो टू वन था ना. हाँ सर. टू से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो टू टू हो जाएगा ना. यस सर. और फिर टू ऐड करेगा तो टू टू फोर हो जाएगा ना. यस सर. बोलो बच्चों, यही तो है एग्जांपल फोर, यहीं से तो किया है. समझ में आया क्या ये? हाँ सर. यस सर. हाँ, अब जो पता है वो क्या करता है, वो तुम लोग को उल्लू बनाने के लिए गंदे गंदे क्वेश्चन, शक्ल गंदी बना करके दे देगा क्वेश्चन की, और पूछ लेगा बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, दिस दैट. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ध्यान देना सब लोग. जैसे मानो उसने ये पूछा, एक मिनट बच्चों, एक्स स्क्वायर रुको एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू. अब बच्चों ये तो तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन है वैसे, वही लेके करते हो ना. हाँ सर. लेकिन लोकेशन ऑफ रूट्स का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है. और जो इसको मैं क्या करूंगा पता है, इसको ऐसे कर दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू. बोलो बच्चों यही हुआ ना. यस सर. अभी स्प्लिट कर दो इसको, वन अपॉन, अरे वन अपॉन क्यों लिख रहा हूँ, कुछ भी सर, वन सर, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू. और उसका वर्टेक्स से रेंज निकल जाएगा. इसका रेंज तो पता ही है, वर्टेक्स से निकल जाएगा, फिर इसके रेसिप्रोकल का निकाल लो और उसमें वन ऐड कर दो. बच्चों इजी हो गया ना क्वेश्चन. हाँ सर. यस सर. समझ रहे हो, ये मतलब ये उल्लू बनाने के काम है. तुम समझो एक चीज कि एलिमेंट्री फंक्शंस के रेंज से इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये तुमने कितनी बार किया होगा बच्चों, ध्यान दो, ये वाला कितनी बार किया होगा, थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स. हाँ सर. बच्चों बताओ इसका रेंज, थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स का रेंज बताओ. माइनस फाइव टू फाइव. वन अपॉन बॉक्स, ये लिखने का स्टाइल है बच्चों, ये करेक्ट, ये तरीका करेक्ट नहीं है बच्चों. माइनस फाइव से फाइव का रेसिप्रोकल कितना आएगा बच्चों, तो माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन अपॉन फाइव से क्लोज, यूनियन वन अपॉन फाइव पे क्लोज टू इनफिनिटी. अब बताओ ये सब चीजें जो है ना आसान तभी बनती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना क्या अपने को ऐसा लगता है अरे यार काश ये न्यूमेरेटर में होता राइट, तो मेरा आंसर कितना जल्दी आता, अब डिनोमिनेटर में आ गया तो गड़बड़ हो गया. अब जो इसमें पता है क्या करता है वो, इसमें तुम लोग को कई दफे में बहुत उल्लू बनाता है, ऊपर भी साइन एक्स कॉस एक्स का टर्म्स दे देता है ना, ऊपर भी साइन एक्स. लेकिन अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन की तरह, जो क्वेश्चन नंबर एट किया है ना वैसे ही नाइन वाले को भी ऐसे ब्रेक करके और ऐसा ही कुछ बना लेंगे. आएगा क्वेश्चन वो तुम्हारी बुकलेट में आएगा तब करना, ठीक है. जो क्वेश्चन नंबर नाइन ओके है सब लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर. एलिमेंट्री फंक्शंस का रेंज क्या है बच्चों अभी तक अपन लोगों ने, एलिमेंट्री फंक्शंस का रेंज. अब बच्चों मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, सब लोग ध्यान देना, रेंज वाले फंक्शंस में अपन लोगों ने पहला कंटेंट स्टार्ट किया है रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, स्टार्ट किया है और खत्म कर दिया है. अब ये सारे नोट्स बताओ अभी बनाओगे कि बाद में बनाओगे? सर बाद में ही बना लेंगे ना, मतलब आप बाद में बनाओगे चलेगा ना? यस सर. हाँ तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब लोग को वो इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ बनाए थे वो याद है कि नहीं है? सर इनवर्स ट्रिगो के नहीं बनाए शायद. नहीं कैसे नहीं बनाए सर? आई डोंट थिंक बनाए सर. उसका सिर्फ डोमेन आपने लिखा था ना. अच्छा अच्छा अच्छा. बच्चों अभी के लिए
ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग बाद में देखेंगे बच्चों, हाँ बाद में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट में भी नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट में, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, बच्चों ये फंक्शन हो गया, ये डोमेन है यहाँ पे माइनस वन टू वन सेम, और आर माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन से इनफिनिटी, और ये भी सेम सेम ना। अब बच्चों ये जो लिख रहा हूं ना, ये अभी के लिए याद रखना है इसको, है ना, बाद में इसको क्लियर कर देंगे ऐसा क्यों किया। अच्छा ये रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिखने का मीनिंग ये है कि साइन इनवर्स में एक्स का आंसर माइनस वन और वन के बीच में कुछ भी लिखूं, मतलब एक्स का वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में कुछ भी लिखूं, वाई का वैल्यू माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ही आंसर लिखो, और कोई आंसर कभी भी मत लिखो। अच्छा इसका रेंज, इसका रेंज, ये रेंज लिखने का यही मीनिंग है ना। रेंज का मतलब क्या बताओ, रेंज का मतलब यही ना कि एक्स का वैल्यू डालने से वाई क्या आता है। साइन इनवर्स एक्स का आंसर, आई रिपीट, साइन इनवर्स एक्स का आंसर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आएगा। अब कोई भी मुझे लॉजिक पूछेगा तो मैं सीधा इस अंडरलाइन को दिखा दूंगा, बराबर है ना, बोलो बच्चों। यस सर। इसका रेंज जीरो टू पाई, किसका, इसका। सर ये कराया शायद सर, ट्रिको में किया है, किया है ना, तो वापस कर लो ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई, ओपन ओपन, ठीक है, ये बताओ चलो ट्रिको में किया है तो। सर एक ही सेकेंड सर, माइनस, सर ये वो प्रिंसिपल एंगल के साथ शायद से कंफ्यूज हो गए, हाँ क्योंकि उसका भी फॉर्म ऐसा ही है ना। हाँ सही कर रहा है, सही कर रहा है, अभी इतनी सारी ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ना कैलकुलस में। कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाई, माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो। ओपन क्लोज का ध्यान रखना, हाँ सर, ओपन क्लोज का ध्यान रखना, ठीक है। और जो सब लोग एक चीज को ध्यान दे दो, मैं इसको लंबा खींचने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट डील करना चाह रहा हूं तुम्हारे साथ में। इसको याद रखना है पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये चीजें हैं जो पॉइंट आउट करती हैं हम लोगों को, साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना बच्चों, उसमें माइनस साइन बाहर निकलता है, और ऐसा तीन फंक्शंस के साथ में होता है, टेन इनवर्स के साथ भी सेम होता है, और कोसेक इनवर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चों लेकिन ये जो है ना, ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स वैसा नहीं होता जैसा ट्रिगो में होता था, या कुछ उल्टा होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ट्रिगो में क्या होता था, माइनस डिसॉल्व हो जाता था ना बच्चों, इसमें इनवर्स ट्रिगो में ऐसा नहीं होता, मैं प्रूव करूंगा इस चीज को, अभी रुको दो मिनट। ऐसा तीन फंक्शन के साथ होता है, बाकी बचे हुए दोनों फंक्शन और लिख देते हैं, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और एक और बचा cot इनवर्स माइनस एक्स
is pi minus cot inverse x, है ना? जैसे बच्चों तुम्हें निकालनी है वैल्यू साइन इनवर्स हाफ, बच्चों ऑल आईटीएफ नहीं, थोड़ा करेक्ट करते हैं इसको. आंसर ऑफ ऑल आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर एंगल्स, राइट, इन द रेंज. एंगल भी रेंज में आएगा, ध्यान दे दो, है ना? जैसे साइन इनवर्स हाफ का आंसर क्या आएगा बच्चों? इनफाइनाइट आंसर होते हैं ना इसके, तो साइन इनवर्स हाफ को ऐसे थीटा ले लो, एंगल ही तो आएगा, तो साइन थीटा हाफ हो गया ऐसे, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? इस रेंज में बताना है, बताओ. नहीं, रेंज में कहां आ रहा है? 5 पे अच्छा, 5 पे रेंज से बाहर चले, है ना? अब बच्चों ध्यान देना, साइन इनवर्स माइनस हाफ का आंसर बोलो. चलो माइनस पाई बाय 6, तो बहुत इजी हो गया ना बच्चों ये. हां सर. अच्छा चलो बच्चों इसका बताओ जरा, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसको ऐसा लिखना चाहिए ना, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, सही है सर? नो. यस. और कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है बच्चों? पाई बाय थ्री. आंसर बोलो कितना आया? टू पाई बाय थ्री. बोलो बच्चों सही है? यस सर. हाँ, तो देखो लेक्चर थोड़ा बल्की है, मतलब कंटेंट थोड़ा स्पीडी है, लेकिन कंटेंट एलिमेंट्री है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोगों ने पहले ये किया है, उसको हम लोग पिच कर रहे हैं कि ऐसे करना है, राइट? पहले जो किया है उसको पिच कर रहे हैं कि इसको अब इस तरह से डील करना है हम लोग को आगे. तो बच्चों ये क्वेश्चन का जवाब रॉन्ग मत दे देना प्लीज बच्चों, ये ध्यान देना सब लोग. हाँ, सॉल्व, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों. सॉल्व ln tan इनवर्स x, अरे यार याद नहीं आ रहा वैल्यू, रुको, ln नहीं था यार, क्या कर रहा हूं मैं भी, रुको. ऐसा था बच्चों, फाइंड x, मतलब सॉल्व करने का जगह इसको एग्जांपल नाम दे देते हैं. हाँ अच्छा, सबसे पहला काम क्या करूं सर? टैन इनवर्स एक्स को टी ले लो. नहीं, टी क्यों? टैन इनवर्स एक्स जब एंटी लोग लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन प्रिजर्व करता है ना, बेस अगर वन से बड़ा है तो. यस सर. ये क्या बनेगा बताओ? टू ग्रेटर देन टी. अब बच्चों अब क्या करें? अब टैन इनवर्स को इधर ले जाए. यस सर. एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन टेन टू आ जाएगा ना बच्चों? बराबर है ना? पता ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में जो है ना, ये जो तरीका है ना, ये तरीका एकदम फालतू है, कंसेप्ट से कहीं एफिलिएट ही नहीं करता. बच्चों ध्यान दो, इस पर ध्यान दो. टेन इनवर्स एक्स ये रहा, है ना बच्चों? टेन इनवर्स एक्स के आंसर किधर से किधर आएंगे बताओ? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू. पाई बाय टू का वैल्यू कितना होता है? 1.5 से 1 के आसपास होता है ना? हाँ. यानी टेन इनवर्स एक्स का कोई भी आंसर 1.5 से 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, बराबर है ना बच्चों? यस सर. अब जरा इधर देखो, यहां से बताओ, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो एक्स कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, बराबर है ना बच्चों? यस सर. हाँ,
देखो अभी ग्राफ बनाएंगे तो और अच्छा से चमकेगा ये, लेकिन यहाँ इस टेबल को देख के भी तो चमक रहा है कि यार इसका आंसर टेन इनवर्स एक्स का आंसर पाई बाई टू से ज्यादा नहीं आ सकता, बराबर है ना बच्चों? Yes. Yes, इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन टू हो ही नहीं सकता, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू लिखूंगा तब भी आंसर नो सोल्यूशन आएगा, बट पाई बाई टू से कम लिखूंगा तब क्या आएगा उसके बारे में अभी पता नहीं, अभी पता नहीं, आज पता नहीं है, कल पता लग जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में पता लग जाएगा, बराबर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया ये? यस यस। हाँ वापस चलते हैं पुराने पेज पे, इधर आ जाओ। साइन इनवर्स हाफ का आंसर निकला, साइन इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ये सारी चीजें निकाल ली बच्चों, ये इनकी रेंज यही होती है, ठीक है? देखो बच्चों इन सब चीजों के साथ में अब जितने बच्चे प्रेजेंट है ना वो थोड़े अलर्ट टोन पे, संभल के, ऐसे नहीं होता जैसे अभी यार कैमरा ऑन नहीं है बताता मैं, ऐसे नेक आधे आगे करके और पढ़ते हैं, सब कोई टीचर बोलेगा कि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है तो ऐसे पहले आराम से बैठे थे फिर थोड़ा संभल के बैठ जाते हैं ऐसे। बच्चों ये जो आगे जो कंटेंट है ना इस पर थोड़ा संभल के ध्यान दो, तकलीफ तो हर बच्चे को आएगी, जिसने पहले नहीं किया हुआ उसको तकलीफ तो आएगी ही आएगी, इसको क्यों इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा अलर्ट टोन पर रहोगे तो तकलीफ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कैसे? ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो बच्चों, ये वाला ग्राफ जीरो पाई टू पाई माइनस पाई, किसका ग्राफ है बच्चों पता है ना? ये साइन एक्स का, साइन एक्स। अब बच्चों इस साइन एक्स के ग्राफ को तोड़ दो, तोड़ दो का मतलब साइन एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना ही बनाओ बच्चों, इतना ही, राइट? यानी ये बन गया और ये बन गया बच्चों, यहां से ब्रेक कर दो उसको, इस जगह से ब्रेक कर दो उसको, ठीक है? अब बच्चों इस साइन एक्स के ग्राफ को, ये जो मैंने बनाया इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना ये वाला फायदेमंद है, राइट? अब बच्चों आप क्या करो, इसको यहां ये रेड कलर में जो ब्रेक किया है ना वो तो आपको कंफ्यूज करेगा, आप क्या करो बच्चों साइन एक्स के ग्राफ को वाई एक्सिस पे बनाओ, वाई एक्सिस पे, जैसे 0.01 पॉइंट हो गया बच्चों, सब लोग ध्यान देना प्लीज, हाँ यहाँ पे ध्यान दोगे तो सारे ग्राफ बनेंगे, 0.01 पॉइंट हो गया बच्चों, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1.1 पाई बाई 2.1 है, ये है ना पाई बाई 2.1। बच्चों पाई बाई 2.1 का उल्टा क्या हो गया, मतलब एक्स कोमा वाई को वाई कोमा एक्स में बदलना है अपने को, 1.2 तो इसको हटाते हैं। हाँ बच्चों तो मुझे बताओ कि साइन एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस पे बनाया, साइन एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस पे बनाया तो बताओ यही ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? सही है, सुनो। अब बच्चों साइन एक्स का ग्राफ जो वाई एक्सिस पे बना है उसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? पाई है, ये वाला क्या है? माइनस पाई है, माइनस पाई। और बच्चों ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू है, सही है सुनो? बस बच्चों ये ग्राफ काट दो, यहां से काट दो इसको खत्म कर दो ग्राफ, ये रख लो और बाकी सब गायब कर दो बच्चों, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा? ऐसा ग्राफ आएगा, भाई यार क्या कर रहा हूं? बच्चों बता सकते हो ये पॉइंट क्या है? ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाय टू होगा, ये वाला। अबे गधेड़ा, माइनस वन ये पॉइंट कितना है बच्चों? प्लस वन ये पॉइंट पाई बाय टू है ना, पाई बाय टू और ये पॉइंट कितना है? माइनस पाई बाय टू।
बच्चों ये sin inverse x का ग्राफ बन गया। तुम्हारे लिए जो एक छोटा सा चैलेंज है, चैलेंज तो है बच्चों, ये बात समझ लेना, अगर आज से पहले ग्राफ नहीं बनाया ना तो तुम्हारे लिए चैलेंज तो है, लेकिन मैं ये तुम लोग को देना चाहता हूं, राइट। अभी सिर्फ मैं cos inverse x का ग्राफ बनाऊंगा, बाकी सारे ग्राफ तुम्हें बनाने हैं। तो बच्चों cos inverse x का ग्राफ बनाने के लिए पहले sin inverse x के ग्राफ को रिपीट करते हैं एक लाइन में, तो मैं इस तरह से बोलूंगा, sin inverse x का ग्राफ बनाने के लिए sin x का ग्राफ y एक्सिस पर इसकी रेंज में बनाओ। यहां से पढ़ते हैं बच्चों, इसका ग्राफ बनाने के लिए sin inverse x का ग्राफ बनाने के लिए sin x का ग्राफ इस रेंज में y एक्सिस पे बनाओ, है ना, समझ में आई कहानी? यस सर। बस बन गया। Yes, sin inverse का ग्राफ वही होगा जो sin x का ग्राफ y एक्सिस पर यहां से यहां तक होगा, बराबर है बच्चों? Yes, sir. बताओ cos inverse x को कैसे पढ़े? cos inverse का ग्राफ, cos x का ग्राफ 0 और पाई पे, 0 टू पाई में y एक्सिस पे बना दो। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आ जाओ इधर, ये बोलना बड़ा आसान है, बनाने में तकलीफ आती है कभी कभी बच्चों। तो cos inverse x का ग्राफ बनाते हैं, Let us see. सबसे पहले cos x का बनाते हैं बच्चों। cos x का ग्राफ ये बना, इतना ही बनाना है ना बच्चों, ये cos x का ग्राफ है ना? Yes, है ना? Yes. ये जीरो, ये पॉइंट क्या है बच्चों? तुम एक चीज समझ लो, ये समझ में आ गया तो मस्त हो गया मामला, और ये समझ में नहीं आया तो फिर स्ट्रगल रहेगा, और ये ग्राफ याद हो जाते हैं बच्चों। ये ग्राफ हमेशा बनाना ही चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, जब जब बनाओगे तब तब कॉन्फिडेंस आएगा, और एक बार ऐसा हो जाएगा जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला जमा हुआ है, और काम आता है बहुत। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पाई बाई टू कॉमा जीरो, पूरा लिखो, जीरो जीरो भी लिखो बच्चों। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? नहीं, ये तो पाई है ना, पाई कॉमा जीरो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना बच्चों? पाई कॉमा माइनस वन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? जीरो कॉमा वन। अब बच्चों जो काम एक्स एक्सिस पर हो रहा है उसको वाई एक्सिस पर करना है, ठीक है? तो तुम लोग रेडी रहो अभी कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए। बोलो भाई कोऑर्डिनेट्स, बोलो सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट, सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों, ये वाला सर 1.0 1.0। अब ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो बच्चों, सर 0.5/2 बच्चों। अब ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो, -1.5 ये -1 और ये पाई। बच्चों अपने को y एक्सिस पे बनाना तो cos x का ग्राफ है ना, मतलब ये जो लिख दिए हैं उसके बाद cos x का ग्राफ बनाना ना, इन पॉइंट से ग्राफ पास होगा लेकिन बनाना तो cos x का ग्राफ है ना बच्चों? हां सर, उल्टा बनाया, सॉरी। लेकिन बच्चों से फर्क नहीं पड़ता है, तुम इस चीज को ध्यान मत दो, बस तुम सिर्फ इन पॉइंट्स का ध्यान दो, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां पे जाएगा, तीन जगह में रहेगा। किसका ग्राफ बन गया बच्चों? cos inverse x का ग्राफ बन गया ना? Yes, sir. बच्चों अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी पकड़ में आ चुकी है कि सर ग्राफ कैसे बना रहे हैं, हालांकि और भी आइडियाज हैं ग्राफ बनाने के, जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना तुम्हें आज का लेक्चर याद आएगा, फिर तुम हंसोगे, स्माइल करोगे थोड़ा, अरे यार उस दिन सर क्या सिखा रहे थे, कितना जल्दी से तो हो रहा है। लेकिन बच्चों अभी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर जो फंक्शन का ग्राफ है उसको वाई एक्सिस पे बना दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, बाकी आगे तो वाई इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लेना और एन नंबर ऑफ आइडियाज है जो हम लोग डेवलप करेंगे बाय द टाइम। तो बच्चों तुम्हारे लिए फॉर यू ड्रॉ इनवर्स एक्स, एक मिनट कॉट इनवर्स एक्स, sec inverse x,
cosec inverse x. हाँ, कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सर. हाँ बोलो. सर वो क्वेश्चन में जे मेंस वाले log to tan inverse of x. सर वो सब समझा सर, but range to tan x मतलब tan मतलब वो तो infinity तक जाता है ना, तो no solution कैसे होगा? tan inverse x infinity तक नहीं जाता ना बेटा. tan inverse x का graph तो यहीं तक जाएगा ना. और अरे हाँ हाँ सर, सॉरी सर मैम, है ना, tan x जाता है इन्फिनिटी तक, इसीलिए तो मैंने बोला अभी के लिए ये रेंज याद रखो कि सारे के सारे आंसर इसी रेंज में आएंगे, है ना. हाँ सर. जब अपन बाइजेक्शन करेंगे ना बच्चों, वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू, तब इस चीज को एकदम क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना. बच्चों ये वाला ग्राफ तुम्हारे होमवर्क में चले जाएंगे, है ना. yes, ये वाले ग्राफ, और तुम्हें नहीं आएंगे तो बना करके मैं तुम लोग को नेक्स्ट टाइम दे दूंगा ये ग्राफ, सारे कैसे बनते हैं सिखा भी दूंगा, लेकिन एक बार तो ट्राई करोगे ना, या बना के दूं अभी? नहीं सर, ट्राई करेंगे. हाँ तो ये तुम्हें रेंज वाला जो पार्ट है ना वो भी इससे पकड़ में आ जाएगा. अब अच्छा ध्यान दो सब लोग, सब लोग ध्यान दो. देखो ध्यान दो, कंटेंट टू, कंटेंट टू ऑफ रेंज, बच्चों फर्स्ट कंटेंट बताओ क्या था? रेंज ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस. कि सेकंड कंटेंट है रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस, ये क्या होते हैं अपन लोग बात करेंगे इसके बारे में. अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1. इसका आइडिया पता है मुझे कैसे लगा? सब लोग ध्यान देना बच्चों, मुझे इसका आइडिया इस तरह से लगा कि मैं क्या करता हूं पता है, मैं ये चीज है ना, ये वाली चीज इसको ध्यान से देखता हूँ. रेंज जब भी निकालनी होती है ना बच्चों, ये सर्कल जो लगा हुआ है ना वो चीज ध्यान से देखता हूँ, और इस चीज को देख के यहाँ इस फंक्शन से पूछता हूँ कि बता भाई तू मेरी कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है ना. तो वो फंक्शन जवाब देता है मैं तेरी सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता हूँ. बच्चों इसी को तो डोमेन कहते हैं, बताओ. यस सर, है ना. अब डोमेन इसको कहते हैं वो तो अब बच्चों वाली कहानी हो गई तुम्हारे लिए भी, है ना. अब तुम अपने जूनियर्स को पढ़ाओगे ये चीज. रेंज में हम इसको डोमेन नाम नहीं लेंगे कभी भी, होगा डोमेन ही लेकिन नाम नहीं लेंगे कभी. इस एक्स से पूछ के इसका आंसर लिख देंगे तुरंत. बच्चों एक चीज बताओ, ये एक्स अगर 0 to 2π कोई भी एक लेंथ, इतनी लेंथ मतलब 2π लेंथ, कंटिन्यूअस 2π लेंथ का ग्राफ अगर बना दे तो बताओ उसका रेंज यही बनेगा ना. यस यस सर. बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? यस. अरे कोई अगर कहते हैं कि इसका ग्राफ 0 to 2π बनाओ तो बताओ -1 to 1 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर. बच्चों कोई इसके लिए बोल दे इसका ग्राफ -π से +π बनाओ तब भी रेंज -1 to 1 आ जाएगा ना. यस सर. हां 100π से 200π बनाओ, 100π से 200π sin x का ग्राफ 100π से 200π बनाओ तो रेंज क्या आएगा? -1 to 1. तो लोगों को लग रहा होगा यार सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, ठीक है ना, -1 to 1 होगा, बराबर ना बच्चों? यस सर. हाँ बच्चों एक चीज बताओ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखने का मीनिंग पता है क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीईटी वाले बैच को पढ़ा रहा हूँ, सीईटी, है ना. लेकिन बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स. बताओ बच्चों अंडर रूट एक्स का रेंज क्या है? 0 to 0 to 1. यह है ना, मतलब साइन का ग्राफ किधर से किधर बनाना है बच्चों? साइन का ग्राफ 0 से ∞ बनाना है. बताओ बच्चों आंसर कहां से कहां तक आएंगे? सर 0 to 1. कुछ भी बोल दो, मतलब जो मन करे वही चीज बोल दो, है ना. सर -1 to 1 ही आएंगे. यस सर.
अभी मैंने बोला और तुमने एग्री किया कि हाँ सर ये तो सीटी पढ़ा रहे हो आप, है ना, और यहाँ पूछते ही गड़बड़ कर रहे हो। अरे बाबा मैंने यही तो बोला कि कंटिन्यूअस जीरो टू टू पाई ग्राफ बनते ही रेंज माइनस वन से वन आ जाता है, तो ये तो जीरो से इन्फिनिटी बना रहा है बेटा, इसका रेंज तो माइनस वन टू वन हो ही जाएगा ना बच्चों, से यस और नो? यस सर। हाँ देखो क्वेश्चन में और ट्विस्ट आया, क्वेश्चन पूछा उसने साइन ऑफ एल एन एक्स, बताओ बच्चों एल एन एक्स का रेंज क्या है, एलिमेंट्री फंक्शन है ये, ऑल रियल वैल्यू। तो इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, देखो ये लिखने का तरीका नहीं है, बोर्ड में ऐसे नहीं लिखते हैं, वो तो मैं सिखा देंगे बाद में, लेकिन ये समझने के लिए कि दिस इज इक्वल टू साइन का ग्राफ बनाओ किधर बच्चों, किधर बनाओ, फॉर ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट। तो बच्चों इसका रेंज कितना आ गया पता है ना, माइनस वन टू वन, बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? यस सर। हाँ अब बच्चों ऐसे कोई गंदा क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो और मजा आएगा, देखो इस तरह का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एल एन एक्स, बच्चे तुम्हें पता ही है ना माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी इंटरवल तो कवर कर ही लेगा, आंसर भी क्या आएगा, एल एन एक्स हटा देते हैं, एल एन एक्स बाद में लेंगे, माइनस वन टू वन कुछ छिपा हुआ है, एल एन एक्स में कुछ छिपा हुआ है वो बाद में सिखाएंगे। अभी बताओ ऐसा भी होगा तो स्पेशल क्वेश्चन तो बन गया ना, रेंज कितना आ गया इसका, माइनस वन टू वन ही आएगा ना बच्चों, है ना बच्चों, ट्विस्ट आ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना हाँ, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन होता एल एन ऑफ साइन एक्स, अब बताओ बच्चों साइन एक्स के आंसर किधर से किधर आ रहे, माइनस वन टू वन, यानी एल एन का ग्राफ कहां से कहां तक बनना चाहिए, माइनस वन टू वन, तो अब ये माइनस वन टू वन एल एन को पूछेगा बता भाई मेरी ये सारी वैल्यू तो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, इसी को तो डोमेन बोलते हो, यस सर, यस सर, तो बताओ एल एन जवाब देगा क्या कि पूरी वैल्यूज आ जाओ चलो मैं लेता हूँ तुम लोग को, कौन सी वैल्यूज लेगा बच्चों, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या बच्चों, एल एन जीरो से ज्यादा मतलब जीरो ओपन से क्लोज वन, बोलो बच्चों सही है, बच्चों एल एन एक्स का ग्राफ यही तो था, यही ग्राफ तो था, और ये ग्राफ किधर से किधर बनाना है बच्चों, जीरो टू वन, तो बच्चों जीरो टू वन ग्राफ बनाएंगे तो रेंज क्या जाएगा, माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, जीरो पे क्लोज, बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया, yes, देखो आ रहा है ना मजा, इसमें ये क्या है, ये डोमेन जो है ना, ये डोमेन पहले डोमेन निकालते थे, अब डोमेन निकाल नहीं रहे, डायरेक्ट ही कर रहे हैं बच्चों, अब और मजा आएगा, देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, रेंज ऑफ अंडर रूट एल एन साइन एक्स, बताओ बच्चों ये वाले फंक्शन का, ये वाला जो ग्राफ बना ना, ये वाला ग्राफ जीरो, रुकना ये वाला ग्राफ बच्चों, इस ग्राफ का अगर अंडर रूट लोगे तो बताओ ये वाला पार्ट तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, एक ही वैल्यू का अंडर रूट आएगा ना, जीरो का अंडर रूट आएगा, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बताओ, जीरो कर्ली ब्रैकेट जीरो, बच्चों समझ में आया क्या, यस यस, देखो अब क्या होगा, अब तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कि एक जो एलिमेंट्री फंक्शन है उसके अंदर भी एक फंक्शन, उसके अंदर भी एक फंक्शन, उसके अंदर भी एक फंक्शन, ऐसे गुजराते चले जाओ राइट, और रेंज लिखते चले जाओ, और बच्चों ये डिफिकल्ट नहीं जाता है प्रोवाइडेड सबको समझ में आए, समझ में आना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, समझ में आना जरूरी है, वरना सब गड़बड़ है। तो तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ चार ग्राफ बनाने आज, इसके अलावा ये नहीं करना है,